दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS Education News में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट, RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022। तो दोस्तों RPSC ने महत्वपूर्ण जो प्रेस नोट है वो जारी किया है, और इस प्रेस नोट को जारी होने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि जो परीक्षा है वो तय समय पर होगी, अक्टूबर के जो द्वितीय सप्ताह से, और जो फोर्थ वीक है जो परीक्षा होनी है वो तय समय पर। आयोग का ये जो नया प्रेस नोट है वो यही कह रहा है आपसे कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और RPSC फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 का आयोजन तय समय पर, फॉर्म रीओपन की जो संभावनाएं हैं वो लगभग यहां पर शून्य होती हुई नज़र आ रही हैं। पूरा अपडेट क्या है ये दोस्तों जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आयोग द्वारा प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह से चतुर्थ सप्ताह तक करवाया जाना है। और दोस्तों आपके अगर फॉर्म में कोई दिक्कत थी, कोई संशोधन आप लोग करना चाहते हैं, तो वो 24 तारीख से लेके और 2 सितंबर तक कर सकते हैं, यानी कि 24 अगस्त से और 2 सितंबर तक आप लोग जो है अपना जो संशोधन है वो कर सकते हैं। संशोधन फोरम में आप लोग करेंगे तो उसमें आप नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन कर सकेंगे। यानी कि जो चेंजेबल चीज नहीं है वो क्या है, आपका नाम, आपका फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि और आपका जो लिंग। इसके अलावा जो परिवर्तन आप लोग करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ₹500 का जो शुल्क है वो देना होगा। ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ₹500 का जो फीस है वो दे करके आप लोग संशोधन जो है इस फॉर्म में कर सकते हैं। उक्त परीक्षा में केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें, ऑफलाइन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन जो संशोधन है वो इसमें किया जा सकता है। एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जितनी भी विडो डाइवोर्स महिला अभ्यर्थी हैं, अगर आपके पास तलाक का जो डिक्री है अब आ गया है, तो आप लोग अपने फॉर्म में इस चीज़ को संशोधित कर सकती हैं, या विडो कोई दुर्भाग्यवश हो चुकी हैं तो वो भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा से 45 दिन पहले RPSC जो है संशोधन का मौका आप लोगों को दे रही है, तो इसका आप लोग जो भी संशोधन करना चाहते हैं, संशोधन नाम में नहीं होगा, फोटो में नहीं होगा, पिता के नाम में नहीं होगा, जन्मतिथि नहीं बदली जाएगी, और आपका लिंग यानी कि जो सेक्स है वो नहीं बदला जाएगा। ये सारी चीज़ें छोड़ करके आप लोग तमाम जो चीज़ें हैं उनमें संशोधन कर सकते हैं 24 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, ये जो है संशोधन दोस्तों किया जा सकता है। तो फिलहाल जो फॉर्म रीओपन की जो बात है उससे इतर ये चीज़ की गई है, फॉर्म रीओपन दोस्तों मुश्किल ही होंगे अभी, जब तक कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक RPSC कोई भी निर्णय नहीं लेगी। जब तक कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप लोग अपनी तैयारी करके चलें, और ये मान के चलिएगा दोस्तों कि फॉर्म रीओपन होने की संभावना 0 है। आगे अगर कुछ अपडेट आता है तो आप लोगों को बिल्कुल अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल किसी भी भ्रम में, अफवाह में ना पड़े, और अपनी तैयारी को लगातार आप लोग करते रहें। सभी को शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। संशोधन जिनको करना है 24 से लेके 2 सितंबर तक आप लोग कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। ये जो प्रेस नोट है आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।